मुझे लगा ना मेरे दादा झूठ बोलते हैं कि सांता क्लॉज आते हैं, सांता क्लॉज सच में आता है। हेलो सांता क्लॉज। अरे सांता क्लॉज देख बात बताओ, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, सबको गिफ्ट देने खुद क्यों जाते हैं? आप डिलीवरी बॉय क्यों रख लेते? आप मेरे को दे दो, मैं सबके गिफ्ट खुद दे के आऊंगा। इसमें तेला गिफ्ट नहीं है, जो भी है मेरा माल है, माल माल। और दित का भी माल है, मेरे को गिफ्ट चाहिए। मेरे को गिफ्ट दो ना, मेरे क्रिसमस। बला शौक है ना तुझे गिफ्ट का? थैंक यू गॉड। ये ले तेला गिफ्ट। ये नहीं कोई अच्छा सा दिखाओ, ये तो नहीं। मैं डाकू हूँ, डाकू, डाकू नटवाल सिंह, ठोक दूंगा अभी। क्या ठोक दोगे? मेरी कील निकली हुई है क्या? क्या ठोक दोगे? थुप, थुप। जगह जगह नहीं थूकते। मेले इधर आ, इधर आ। मेले पीछे पुलिस पड़ी है। अच्छा, अगर उन्हें पता, आपने लाल कपड़े पहने, सांड ना पड़ जाए कहीं आपके पीछे। बात को थाप थाप थुन, थाप थाप बोलो भी तो सही, थाप थाप थुन। मेले पीछे पुलिस पड़ी है। अच्छा, अगर उन्हें पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ, तो तुझे पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ पहुंच जाएगा। वाह भी है तोतला, डराता पूरे नॉर्मल आदमी की तरह। एक मिनट, तुम्हारा क्या मतलब? मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? झूठ नहीं बोल सकते। ए! आप टेंशन मत लो, मैं पता नहीं चले दूंगा। पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पता नहीं तलना तय कि मैं यहाँ हूँ, वरना तेरे पुले के पुले खानदान को तुन तुन के मारूंगा, तुन तुन के मारूंगा, तुन तुन के मारूंगा। चल मैं छुप रहा हूँ। छुप जाओ, छुप जाओ, मेरे हाथ में नहीं आ रहा। चल संभाल ले, संभाल लिया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ तो स्नोफॉल है और हम स्केटिंग लाए नहीं। मैं लेके आऊँ सर? नहीं रुक रुक रुक, फोन लगा हुआ है। हाँ जी कमिश्नर साहब। हाँ हाँ, मैंने सलूट मारा है आपको। मारा है सर मैंने, आप मेरी बात का यकीन करें। मेरे सलूट मार मार के मेरे दाएं पांव की हड्डी घिस गई है, हड्डी नहीं एडी, एडी घिस गई है। बाएं पांव से मैं 5'11" का हूँ और दाएं पांव से 5'8" का। बहुत मारे हैं सलूट सर। हाँ, तिलक नगर में गोलियां चल रही हैं। हाँ सर, मैंने सलूट मारा है सर। हाँ, वो बंदा काबू में नहीं आ रहा है। वो जनानी थोड़ी है जो कभी काबू में नहीं आएगी, बंदा है आ जाएगा काबू में, उनको कह रहा। हाँ जी सलूट मारा है सर मैंने। नटवर सिंह को पकड़ना है। हाँ, नटवर सिंह को पकड़ना है। एक मिनट सर, नटवर सिंह को पकड़ना है। उनको कहना नटवर सिंह की टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, नटवर सिंह नहीं तो कोई और पकड़ लेंगे, लेकिन होगा सिंह ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, सर आपका फोन कट गया। नमस्ते। आप? हम इंस्पेक्टर सिंह हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा इंस्पेक्टर साहब हमारे घर पे आए। हम हवलदार हैं यार। आपने कहा इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर सिंह हमारा नाम है, हैं हम हवलदार। हवलदार इंस्पेक्टर सिंह, हमारे पिताजी भी पुलिस में थे। अच्छा। हाँ, स्वर्गीय डिप्टी कमिश्नर। ओहो, बेचारे स्वर्गीय चले गए। नहीं नहीं, वो जिंदा है, मजे कर रहे हैं, उनका नाम स्वर्गीय है यार। सर, हाँ, नटवर सिंह को पकड़ने आए हैं। हाँ, नटवर सिंह के बारे में पूछताछ करने। अभी नटवर सिंह को तुमने यहाँ से जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं। आते हुए देखा हो? नहीं जी, हम लोग शरीफ आदमी है, हम लोग चोरों को आते जाते नहीं देखते। अच्छा, दीपिका पादुकोण को तो बहुत देखते हो चोरी चोरी से, हैं? हमको नहीं पता, चोर चक्के तुमको दिखाई नहीं देते। देखिए, मेरा और दीपिका का अपना पर्सनल सोशल अफेयर है, आप कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले? और आपको इस अवस्था में ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए। देखो, अब मैं तुमसे जरूरी सवाल पूछता हूँ काम का। कॉमेडी बहुत कर ली तुमने। जब यहाँ पे जी नटवर सिंह आया था तो तुम कहाँ खड़े थे? मैं यहाँ खड़ा था। पकड़ा गया, देखो। हाँ, मानता है उस्ताद जी को? हाँ जी, हाँ जी, मानता हूँ। हाँ जी, पकड़ लो इसको। एक सेकंड, मैं मजाक कर रहा था। मैंने एक्चुअली, जब डाकू नटवर सिंह यहाँ से भाग रहा था, हाँ, मैं अस्पताल में था, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था। ओहो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बच्चे का वेट ठीक है? बच्चे की शक्ल तो दिखाओ। नहीं नहीं, बच्चा होने वाला था, हुआ नहीं। क्यों? नटवर सिंह भाग गया ना। ये जो बात कर रहा है, तुमको समझ में आ रही है? नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रही है।
देखो तुम सच सच बता दो, वरना पुलिस के पास और भी बड़े तरीके हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। दरवाजे की घंटी बाहर लगी है, यहाँ क्यों दबा रहे हो? ये क्या बात है यार? मैं कैसे बताऊँ आपको कि नटवर सिंह वहाँ नहीं छुपा है? चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, नटवर सिंह वहाँ नहीं छुपा है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें सरकार की तरफ से 10 लाख का इनाम मिलता। 10 लाख? हाँ। फिर तो मैंने नटवर सिंह के बाप को भी देखा है। इसका मतलब ये नहीं तुमको 20 लाख का इनाम मिल जाता। सरकार का कानून कानून है, 10 लाख ही मिलेंगे भाई अगर देखा हो तो। देखिए 10 लाख है, 15 लाख मेरे को दे दीजिए। मैंने नटवर सिंह को देखा है। अगल दाकू को देखा है तो दातू दी बंदूत भी याद होगी। ये आवाज कहाँ से आई भाई? ओहो हो, कुली यहाँ क्या कर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी तारीफ क्या है। आप ड्यूटी करने आए कि लोगों की तारीफ सुनने आए आप? थाप थाप बता क्यों नहीं देता कि मैं तेला दादा हूँ? लेकिन मेरी दादी को नहीं ना पता कि मेरे आप दादा हैं। एक मिनट, मानी दादी को नहीं पता कि तुम्हारे दादा है? क्यों भी होशियार सिंह, ये क्या हुआ? पता नहीं जी। ये बात तू इन्हें थाप थाप थम जाएगा या मैं अपने स्टाइल में थम दाऊं? देखिए ये बड़ी दुख भरी कहानी है इंस्पेक्टर साहब। मैं रुमाल लगा लूं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे दादा की जब मेरी दादी से शादी होने वाली थी ना, हाँ। तो शादी से 2 महीने पहले मेरी दादी चल बसी, तो मेरे दादा को पता नहीं है कि दादी है कौन, क्योंकि 2 महीने पहले चल बसी। अरे बिट्टू, 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 मेरे बच्चे तुझे पता है आज तेरे दादा का फोन आया था? ये दादी थी, दादा तो यहाँ है, तुम्हें कोई बेवकूफ बना रहा होगा। कोई उनको नहीं लगता है, हमको बेवकूफ बना रहा है। तुमने तो कहा था तुम्हारी दादी चल बसी, तो फिर ये कहाँ से आ गई भाई? दादी चल बसी थी मतलब यहाँ से चल के कहीं और बस गई थी ना। अच्छा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो थी सरकारी जमीन, उन्होंने तोड़ के उधर पार्क बना दिया है। अच्छा। तो अभी वहां से चल के वापस इधर आ बसी है। अच्छा अच्छा। किराए के मकान में ऐसा होता रहता है। किराए के मकान का दर्द तो मुझे बड़ा पता है, मैं तो खुद किराए के मकान में रहता हूँ। 7,000 रुपए महीना किराया है, 11 महीने बाद खाली करो, 3 गेस्ट आ जाए तो खड़े होने की जगह नहीं होती। क्या बात है जी, बहुत मुश्किल जिंदगी होती है किराएदारों की। ये क्या हो क्या रहा है घर में? ये कौन है मुस्तंडा है? जिसकी इससे भी बड़ी दाढ़ी है? लाम प्याली, लाम प्याली, अपने पति से ऐसी भी क्या नालाजगी। दादी, दादाजी अभी सुधर गए हैं, अभी गुस्सा थूक दो उनके मुंह पे। दादी ये डाकू नटवर सिंह है, इसके सामने इसको दादा मान ले पुलिस के सामने, नहीं तो ये हमें गोली मार देगा। अच्छा, पकड़ ले पकड़ ले। बिट्टू के दादा, बिट्टू के दादा किधर चले गए थे, किधर चले गए थे? आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? अरे जहाँ जहाँ नहीं ढूंढा वहीं थुप के बैठा था। अरे आप परेशान क्यों हो रही थी भाई? हम पुलिस बैठी हैं, हमारे पास कंप्लेंट कर देती, हम ढूंढ के दे देते। एक मिनट, आपको शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग रोमांटिक जोड़ा इतने सालों बाद मिल रहा है और आप उनकी बातें सुन रहे हैं? सॉरी सॉरी, दफा हो जाइए यहाँ से आप। सॉरी भाई, मैं फैमिली मैटर में नहीं पड़ता, वो तो सामने थे तो बात आ गई। चलो अभी चलो। अंदर हम मीटिंग कर रहे हैं, चलो भाग जाओ। चलो हुश 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 हुश। क्या हुश हुश लगा रखी है? मेरे बगैर कौन सी मीटिंग हो सकती है? नटवर सिंह, और तू यहाँ क्या कर रहा है? पिंकी, तू इसे जानती है? मम्मी जी, ये वही डाकू है जो एक बार मुझे उठा कर ले गया था। हाँ, जिसने तुम्हारा डांस भी नहीं देखा था। अरे नटवर सिंह जी, आप यहाँ हैं, आपने बताया नहीं, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। अब तक तो मुझे जग लगता मैं तुम लोगों को थोल दूंगा, लेकिन अब एक एक कल के मलने के लिए तैयार हो जाओ। एक मिनट, ऐसे कैसे, इतने शॉर्ट नोटिस में हम कैसे तैयार हो जाएं? चलो तो बिना तैयारी कहीं मल जाओ। एक मिनट भाई, बंदूक तुम्हारे पास है तो क्या हुआ, गोलियां तो हमारे पास है। वाह,
हैं? अगर गोलियां हमारे पास है तो ये कहां से चल गई यार? ये उसके बंदूक की गोली है, ये आपके बंदूक की गोली है। ऐसा हैंड सब है जी हमारे, ऐसी कोई बात रही? हाय मम्मी जी, व्हाट कैन आई डू? चलो एक एक करके मलने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो, क्यों इतना शोर मचा है? क्या हो रहा है? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। लेडीज फर्स्ट, इनको गोली मारो आप। क्या? नहीं नहीं, आप मुझे कैसे गोली मार सकते हैं? आप मुझे गोली मार देंगे तो मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा? आप अभी नहीं गोली मार दीजिए। लोग जाओ, लोग जाओ। रुके तो हुए यार, कहीं भाग रहे हम लोग? विश्वास भी कोई चीज होती है। ये ठीक है, बंदूक में गोलियां भी थे हैं और यहाँ पर लोग भी थे, बड़ा मजा आएगा। ये गोलियां आपने हम पे चला दी, तो अगर आपको जरूरत पड़ी, कल को कोई मिल जाता है, भगवान ना करे आपको गलत आदमी मिल जाए, आप भाई साहब क्या करेंगे? ये भी ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ। मैं लेडीज पे गोली नहीं तलाऊंगा। अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि मैं भी शो में कभी कभी लेडीज बनता हूँ, तो आप उसको भी बनी हुई हूँ और मैं तो हुई ओरिजिनल। और मेरे को भी सुबह से फीलिंग आ रही है अपना नाम सुमन रख लूं। ठीक है, वैसे इस पे तो मैं अपनी गोली वेस्ट करने नहीं वाला। चल बते यहां पर सिर्फ दो मर्द, एक तुम और एक तुम। मिले हाथ में बंदूक है, बंदूक। अरे 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 अ